हेलो गाइस, दिस इज अनुराग झा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अब जो है एक अच्छी खुशखबरी आपको देने वाला हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं अब आपके आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पीडीएफ जो तैयार भी कर लिए गए हैं तो वो आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ जो है हम लोग इंग्लिश और हिंदी इन दोनों चैप्टर्स को जो है पहले कंप्लीट कर लेंगे, और साथ साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस भी अब आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत का संविधान बनाया, तो भारत का संविधान किन्होंने बनाया था? भारत का संविधान सभा ने, ठीक है। भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने दिन की बैठकें हुई, ठीक है। तो कुल कितने दिन तक बैठे लोग? तो 165 बैठक जो है 165 बैठक में कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा निश्चित तौर से, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी ये बात आपको जाननी चाहिए, ठीक है। चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के 82% सदस्य थे, तो संविधान सभा के 82% सदस्य थे कांग्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? इसको डबल स्टार मान सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, वैसे तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्टार लगाते चलता हूँ, तो वो जो है आप लोग निश्चित तौर से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो संविधान सभा के जो है कुल 11 सत्र हुए। सत्र कितने हुए? तो 11, अगर दिन पूछ ले तो 165, ठीक है। और कुल कितने वर्ष लगे? तो वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी थी? तो कुल निर्धारित सदस्य की जो संख्या थी वो 389 थी, ठीक है, 389। चलिए नेक्स्ट देखिए। रॉयल इंडियन नेवी यानी कि शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है पिछड़े वर्गों का मसीहा या संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि पिछड़े वर्गों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर, या संविधान के निर्माता कौन है? तो वो भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि ये जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका भारत में 1946 की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, ठीक है, मिस मत कर दीजिएगा इसको, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे इसको मिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धर्म निरपेक्षता को निम्नलिखित मौलिक अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया, तो किस मौलिक अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया? देखिए यहाँ पे जो आपका सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और उपरोक्त सभी, यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि अगर पूछ ले कि संविधान सभा, ठीक है, जिस समय जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7, ठीक है, और वर्तमान में पूछे तो 6, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्न वर्ष कानून पारित हुआ था, किस वर्ष कानून जो पारित हुआ था? तो 1935 में जो है पहली बार दिया गया था उन लोगों को अधिकार, और उसके बाद जो है 1909 में भी भारतीय की हिस्सेदारी बढ़ाई गई, और फिर 1914 में भी बढ़ाई गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा के निम्न सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया, तो पृथक निर्वाचिका का पक्ष जो है बी पोकर बहादुर लिए थे, ठीक है, बी पोकर बहादुर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। संविधान सभा के निम्न सदस्य ने पृथक निर्वाचिका तो कौन? बी पोकर बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की राष्ट्रभाषा है, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ या पाकिस्तान जब स्वतंत्र राज्य कब बना था? ठीक है, पूछ ले तो याद रखिएगा कि इंडिया से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उससे एक दिन पहले ही बंटवारा हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी निम्न भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते, तो महात्मा गांधी जो है हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है, यहाँ हिंदुस्तानी दे रहा है, हिंदी याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने पेश किया था, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पास किए थे, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से मैंने अभी क्या बताया, अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो भी थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो कब पेश किया गया, अभी मैंने बताया कि किन्होंने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने, कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव, ये देखिए यहाँ पे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ अध्यक्ष नहीं होगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे अध्यक्ष कौन बने थे, तो भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था, तो कौन सा ऐसा खास लक्षण अभिलक्षण था जो विश्व के लिए एक उदाहरण बनना, तो वो पूर्ण वयस्क मताधिकार, ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में ही है, जो पूर्ण वयस्क होगा वो ही 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कितना वर्ष लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके, अब जो है आपका जो चैप्टर है ख़त्म है, अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लघु उत्तरीय, पहले मैं उस सब का जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो जैसे ही लघु उत्तरीय क्वेश्चंस ख़त्म होंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, मैं उसके नीचे ही लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए।